स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, टिश्यूज। सबसे पहले टिश्यू होते क्या हैं? जितनी भी सेल्स हमारी बॉडी में हैं, वो कंबाइन करती हैं टुगेदर एंड दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है, हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, तब हमने यही पढ़ा था तब कि बेसिक यूनिट जो हमारी बॉडी की है, बिल्डिंग ब्लॉक जो हमारी बॉडी का है, दैट इज सेल। दीज सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यूज एंड देन दीज टिश्यूज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, फर्दर ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड एंड देन द होल ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड। ओके, सो वट इज हैपनिंग ओवर हेयर, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब टिश्यू के अंदर वो वाली सेल्स आती हैं या ऐसी सेल्स मिलकर के टिश्यू को बनाते हैं जो जिनका कि स्ट्रक्चर सिमिलर होगा और वो एक ही टाइप का फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। फाइन, सो इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रुप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यूज कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। सो जितने भी आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनके अंदर जो भी आपका सेल्स का एक ग्रुप है वो टिश्यू जो कहलाता है। हर एक टिश्यू का जो है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ओके, लाइक आपका जो हैंड में या मसल्स में जो भी टिश्यूज होंगी वो आपके मूवमेंट में हेल्प करेंगी, जो आपके ब्रेन में जो टिश्यूज होंगी, नर्वस टिश्यूज होंगी, वो आपके थिंकिंग में या एनी मैनी अदर थिंग्स में या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको हेल्प करेंगी। ओके, सो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ओवर हेयर, इन ह्यूमन बींग्स द सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट। अब जो भी हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है उसके अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो हमको हेल्प करती हैं मूवमेंट में। तो वो कैसे हमको हेल्प करती हैं मूवमेंट में? वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं एंड देन वी आर एबल टू मेक आवर मूवमेंट्स। फाइन, सो व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द टिश्यूज ऑफ मस्कुलर सिस्टम? दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, तो ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर सेल्स जो कि जिनका कि सेम स्ट्रक्चर है, सेम फंक्शन है, वो कंबाइन टुगेदर करती हैं टू फॉर्म टिश्यूज एंड दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग। इन केस ऑफ द प्लांट्स जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जैसे कि आपका जाइलम एंड फ्लोएम, उनका भी स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि जाइलम है आपका वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर, ऐसे ही फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, सो जाइलम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन सेल्स एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर प्लांट। सिमिलरली फ्लोएम इज अनदर टिश्यू which consists of many cells and it helps in the translocation of the food from one part of the plant to the another part of the plant. Okay? यहाँ पे आप pictures देख सकते हैं, muscles, types of muscle cells, ये अभी हम detail में पूरा पढ़ेंगे। So smooth muscles, skeletal muscles, cardiac muscles, muscle cells के तीन type हैं। यहाँ पे आपके plant cells में xylem और phloem हैं। These we are going to study in detail later in this chapter. अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट टिश्यूज। सो प्लांट टिश्यूज डू नॉट मूव, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज इन प्लांट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट तो होता नहीं है, तो जितने भी सेल्स और टिश्यूज से प्लांट बना होता है उनका मेन फंक्शन क्या होता है? वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और वो एक मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करता है। ओके, एंड मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, और जितनी भी सेल्स से ये टिश्यूज बनी हुई होती हैं वो जनरली डेड सेल्स होती हैं, सो दैट दे आर एबल टू प्रोवाइड मैक्सिमम मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट आपका पॉइंट प्लांट टिश्यूज में क्या आ रहा है। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस ओनली इन सम रीजन्स। सो प्लांट्स हैव टिश्यूज कॉल्ड मेरिस्टमैटिक टिश्यूज विच डिवाइड एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड परमानेंट टिश्यूज विच डू नॉट डिवाइड। अब जो प्लांट्स हैं उसमें हर रीजन में ग्रोथ नहीं होती है, प्लांट्स के कुछ कुछ रीजन्स में ही ग्रोथ होती है। तो जितने भी आपके प्लांट के
टिश्यूज़ हैं वो डिवाइडेड हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ में और परमानेंट टिश्यूज़ में. तो परमानेंट टिश्यूज़ ऐसी टिश्यूज़ हैं जिनमें डिवीज़न नहीं होता है, विच डू नॉट डिवाइड एट ऑल, वो परमानेंट हैं. और मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ ऐसे होती हैं जो कि डिवाइड होती हैं, और डिवाइड होने की वजह से दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ओके, तो ऐसे रीजन्स जहाँ पे कि ग्रोथ ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस, दैट रीजन कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज एंड द रीजन्स विच इन विच देयर इज नो ग्रोथ ऑफ द प्लांट, वेयर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट डज नॉट टेक्स प्लेस, दैट कंप्राइजेज ऑफ द टिश्यूज विच आर टर्म टू बी एज द परमानेंट टिश्यूज. ओके, नाउ नेक्स्ट, ये तो था आपके प्लांट टिश्यूज के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब हम आते हैं एनिमल टिश्यूज पे. अब वी ऑल नो दैट एनिमल्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब जब मूवमेंट हम लोग करते हैं तो उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए, इजंट इट? एंड दिस इज द ओनली रीजन दैट मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज जो कि एनिमल्स में मिलती हैं, दे आर लिविंग सेल्स. ओके, बिकॉज दे आर लिविंग सेल्स, दे आर एबल टू प्रोवाइड अस एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज यूज बाई आवर बॉडी टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस विच इंक्लूड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं क्या लिखा है. द ग्रोथ ऑफ द एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, सो एनिमल्स डू नॉट हैव सेपरेट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स. अब इन केस ऑफ द एनिमल्स क्या होता है कि जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म है. हम लोगों के अंदर जितनी भी ग्रोथ होती है, अब जो अगर आप छोटा न्यूबॉर्न बेबी देखें तो उसका जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है. अब उसके हाथ पैर, उसका हेड, उसका एब्डोमन, हर पार्ट ऑफ द बॉडी वो ग्रो करता है यूनिफॉर्मिटी के साथ. ऐसा नहीं होता है कि एक पार्ट ग्रो कर रहा है एक पार्ट ग्रो नहीं कर रहा. जैसे कि अभी हमने प्लांट्स में पढ़ा कि कुछ रीजन्स ग्रो करते हैं और कुछ रीजन्स ग्रो नहीं करते हैं. सो इन केस ऑफ द एनिमल्स जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म ग्रोथ है, और इसीलिए हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर सेल्स ऐसे डिवाइडेड नहीं है कि ये डिवाइडिंग सेल्स हैं या नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं. ठीक है, हर एनिमल के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं और उन ऑर्गन्स का एक स्पेशल फंक्शन होता है, और क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, दैट इज व्हाई ईच एंड एवरी ऑर्गन इज हैविंग स्पेशलाइज्ड टिश्यूज विच कैरी ऑन दीज स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. ओके, जैसे कि हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यूज प्रेजेंट है, मस्कुलर सिस्टम में मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है. ओके, सो ईच एंड एवरी ऑर्गन इन केस ऑफ द एनिमल्स दे परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन. एंड हाउ दे परफॉर्म दीज स्पेशलाइज्ड फंक्शन, बिकॉज दे आर हैविंग सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म दोज फंक्शंस, एंड दिस ग्रुप ऑफ सेल्स आर टर्म टू बी एज द टिश्यूज. ओके, सो नाउ अब हम थोड़ा सा प्लांट टिश्यूज के डिटेल में पढ़ते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज जो कि हमने अभी अभी पढ़ा. दे आर मेरिस्टमैटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. नाउ फर्दर, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स. दे आर एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल. ये आप यहाँ पे एक फ्लो चार्ट से आप इजीली समझ सकते हैं. प्लांट टिश्यूज दो टाइप की, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. फर्दर, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज आर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स, विच आर एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू. देन जो परमानेंट टिश्यूज हैं, दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स. दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ओके, नाउ अगेन सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, तो ये पूरा का पूरा आप अगर ये फ्लो चार्ट को समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. ओके, और इस चैप्टर में हमको इन्हीं पर्टिकुलर टिश्यूज के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है, विच वी विल कंटिन्यू टुमारो. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच.